नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर अजीत अग्निहोत्री की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में छात्रों और प्राध्यापकों ने 40 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। महाविद्यालय और स्वर्गीय अग्निहोत्री के परिजनों द्वारा इस शिविर का संयुक्त आयोजन किया गया। इस मौके पर नंदौन के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय अग्निहोत्री ने स्वर्गीय अजीत अग्निहोत्री के साथ अपनी पुरानी यादें साझा की। उन्होंने सुझाव दिया है कि डॉक्टर अग्निहोत्री की स्मृति में किसी स्थायी यादगार का निर्माण किया जाएगा। ये आज डॉक्टर अजीत अग्निहोत्री की प्रथम पुण्यतिथि के ऊपर उनके परिवार और उनका जो शैक्षिक परिवार है उनके महाविद्यालय की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उसके माध्यम से एक तो उनको याद रखने का एक मौका है, उनकी कंट्रीब्यूशन इस संस्थान के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, उसको भी याद करने का एक अवसर है। और साथ में उनके द्वारा किए गए यहाँ जो काम है और उनसे विदा होने की एक वेदना जो दिल में है, उसके कारण से एक रचनात्मक दृष्टिकोण से किसी बहाने यहाँ के जो छात्र हैं, टीचर हैं, वो सब मिलकर उनको याद करते हुए और एक बड़े रचनात्मक दृष्टिकोण से इस समाज में उनसे प्रेरित होकर और वैसे भी हमारी एक भूमिका रहे, उसके लिए इसका आयोजन किया गया है ताकि उनके योगदान को भी हम याद कर सके और अपनी भूमिका इस समाज के प्रति क्या रहती है उसका निर्वहन कर सके। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हरदीप सिंह जम्बाल ने सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रोफेसर जेपी अग्निहोत्री और डॉक्टर अग्निहोत्री के परिजनों रवि शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। विजय अग्निहोत्री व प्राचार्य डॉक्टर जम्बाल ने रक्तदानियों प्रोफेसर सुदेश जम्बाल, डॉक्टर पवन वर्मा, प्रोफेसर गोविंद कुटोच, प्रोफेसर बिपिन पाल आदि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर हमीरपुर नगर परिषद की अध्यक्षता सुलोचना देवी, उप प्राचार्य प्रोफेसर रीटा शर्मा, कार्यक्रम के प्रभारी प्रोफेसर सुरेंद्र ठाकुर सहित महाविद्यालय का शिक्षण व गैर शिक्षण समुदाय उपस्थित रहा। ये हमारे पूर्व सहयोगी अग्निहोत्री जी अपने बॉटनी का शिक्षक रह सकते, हमारे परमात्मा थे एनएसएस की प्रभावी रहे हैं, तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि है उसके उपलक्ष्य पर उनके परिवारजनों ने हमें सुझाव दिया कि ग्रेजुएशन कैंप इनके नाम पर हो। हालांकि हम मेरे परिवार को ये सोच रहे हैं कि हमने 28 तारीख के आसपास आज है ये आयोजन किया जाएगा, तो कोई 60-70 के ऊपर बड़े मजे की बातें हैं कि हम ये सोच रहे थे कि डॉक्टर अजीत अग्निहोत्री जो साइंस के प्रोफेसर हैं कि शायद साइंस के बच्चे बातचीत करके खा जाएंगे, ऐसा नहीं है खुद पूछा कॉमर्स के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे सभी बातचीत करके खा जाए हैं और उम्मीद करते थे उससे दुगना उत्साह हो। लेकर हमारे स्टाफ के यूनिवर्स ने भी जो दो चार अभी मेरे और भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने को जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको याद करने का इससे बढ़िया मौका और इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रक्तदान है वो महादान है और इनकी जो इंस्टीट्यूशन के प्रति या बच्चों के प्रति उनका हमेशा जो सहयोग होता है, बाद में देखते हैं उनके पुण्य तिथि का भी और उनका भी वैसा ही सहयोग है रहा जैसे उनका इंस्टीट्यूशन और बच्चों के प्रति रहता था। तो हमें बेहद खुशी है कि हम इस आयोजन को बड़े सफल तरीके से कर पाए हैं। माननीय विधायक हमारे अभिमुखी जी, इनके कजिन जी थे मीडिया, तो हमें इनकी उपस्थिति का भी बहुत अच्छा वैसा प्रोत्साहन मिला है, तो आगे भी हम अपने बंधुओं के लिए जब भी मौका मिला जैसे आयोजन होंगे और समाज के लिए अच्छा है।